ये हमारे सामने जो है इस्लामाबाद के पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, अफगानिस्तान एम्बेसी। और इसमें जो ख़ास बात है इस ड्रेस में, वो इसके हैं ये वाले विंड पॉकेट्स। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रावलपिंडी, जहाँ मैं कल आया था। यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी ट्रैफिक थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे आना था। क्यों? कि आज से हमारा जो है रियल एडवेंचर शुरू हो रहा है और उसकी हम प्रेपरेशन जो है वो हम अपनी उसे कर रहे हैं। मैं इस टाइम यहाँ रावलपिंडी में हूँ और अभी मेरा प्लान है कि मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँ अफगानिस्तान की एम्बेसी में। हम जाके वहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीज़ा हम आज ही ले लें, क्योंकि वहाँ पर बार बार आना जाना में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो है फिर मैं आपको अपना प्रेपरेशन दिखाऊंगा कि मैं अपने बाइक को अपने अगले ट्रिप के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं। लेकिन इन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाश्ता। तब चल के पहले हम नाश्ता करते हैं जी, एंड देन वी विल हिट द रोड। जी हमारा यहाँ पे नाश्ता आया पड़ा, तैयार हुआ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सारा जो सामान है पिछले साल वाला और इस साल वाला सारा यहाँ पर जो है ना इसने कमरे में कैओस किया हुआ है। तो हम आगे इसको सेटिंग करेंगे। जी हमारा पड़ा हुआ नाश्ता, नाश्ते में है जी हमारे पास यहाँ पे ऑमलेट है, चाय है, साथ यहाँ पे हमारे पास जो है ये टोस्ट ब्रेड हैं, आई थिंक ये हनी है और चीनी है। तो लें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम निकलें घर से, काफ़ी लेट हो गया पहले भी। बिस्मिल्लाह ये रावलपिंडी के मज़ाफात है और यहाँ से जो इस्लामाबाद की जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसकी राइड तकरीबन है कोई 35 किलोमीटर। तो हम भी वहाँ चलते हैं। 9 बजे खुलती है एम्बेसी और इस टाइम बज रहे हैं 7:30 आई थिंक, और नेविगेशन दिखा रहा है मुझे कि तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता। लेकिन क्योंकि हालात ख़राब हैं रावलपिंडी में आज के इस्लामाबाद में, तो हो सकता है कि हम लेट भी हो जाएं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी अगेन। और मैं अपनी इस बिल्लो को यार बहुत मिस कर रहा था। बिल्लो हमारी सेट हो गई है जी, इसकी एक दो चीज़ें जो थी प्रॉब्लम कर रही थी तो वो सेट हो गई हैं अब, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। सिर्फ दुआ मैं ये कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है अफगानिस्तान की वो मुझे वीज़ा आज ही प्रोसेस करके दे दें, ये ना कहें कि भाई तुम कल आना या मंडे को आना। क्योंकि दुबई में तो उन लोगों ने मुझे वीज़ा दे दिया था उसी आधे घंटे में, 1 घंटे मुझे वहाँ वीज़ा मिल गया था। तो देखते हैं उनसे बात करेंगे जाके। हाँ जी साहब, ये हमारे सामने जो है इस्लामाबाद के पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हम इस टाइम श्रीनगर हाईवे पर हैं, इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ जो है हमारे सामने हैं और हमारा सफ़र जो है वो ये तो बता रहा है कि ऑलमोस्ट होने वाला है, सो वी आर ऑन टाइम। तो ये है जी हमारे इस्लामाबाद की ग्रीनरी। हमारे इस तरह देखिए उन्होंने किस तरह इसको डेकोरेट किया हुआ है, फूल बूटियों के साथ, पत्तों के साथ, दरख्त इसके साथ, बहुत ही ग्रीनरी है। रोड आप चेक करें तो ये मेरे फ़ोटो बनाता फिर रहा है। हमारा नेविगेशन जो है maps.me, वो मुझे अब ये वाली जो है ये है अफगानिस्तान की एम्बेसी, वो मुझे पिछली गली में से लेके आया है नेविगेशन, लेकिन लेके वो ठीक आया फिर भी। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आगे सामने जो है सारे लोग भी बैठे हुए हैं, तो किधर गई भी। अस्सलाम वालेकुम, अफगानिस्तान एम्बेसी आगे वाली है, ओके थैंक यू। ले जी हमारा अफगानिस्तान का वीज़ा तो लग गया है, और ये मेरे दाएं हाथ पे ये अफगानिस्तान की एम्बेसी है ये वाली,
काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा है। मुझे काउंसलर उनका जो है आजकल तालिबान का जो काउंसलर है उसने मुझे अपने पास अंदर बुला लिया था, अपने पास बिठाया। उसने मेरी कोशिश थी कि मैं उससे मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसके मैंने बात की, तो मुझे कहता है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा विल बी एक्सपेंसिव फॉर मी, और अगर मैंने वापस आना भी हो तो मैं या तो वीज़ा ले लूँ ताजिकिस्तान से या उज़्बेकिस्तान से मिल ले, वो सस्ता पड़ जाएगा। तो जो वीज़े की फ़ीस है, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट है तो वीज़े की फ़ीस उस पर जो नॉर्मल वीज़े की वो है 80 डॉलर्स जो कि आपको मिलता है 2 दिनों में आई थिंक, और अर्जेंट जो है वो आपको मिलता है उसी सेम डे और उसकी फ़ीस है $130। तो वो मैंने इससे जो है वो ले ली अर्जेंट, 2 फ़ोटो लिए उन्होंने मुझे, और मेरे पास एक फ़ोटो कापी थी मेरे पासपोर्ट की, कहता नहीं आपके पास कलर जो है कलर कापी करा के आनी है आपने, तो कलर कापी खैर उसके बाहर वहाँ बंदा बैठा हुआ था वो उन्होंने मुझे वहाँ से करा दी। एनीवेज वी आर ऑल गुड टू स्टार्ट अवर जर्नी इन 2 or 3 days टू अफगानिस्तान, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और मैं चल के आपको दिखाऊंगा कि मेरा सारा सिस्टम जो है इस दफ़ा का, इस दफ़ा के जो मेरे ट्रिप पे मेरा लगेज सिस्टम क्या है, मेरा गेयर कौन सा है, मेरा जो फिल्मिंग गेयर है वो कौन सा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस दफ़ा, शूज़ मेरे कौन से हैं राइडिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ घर चल के। तो लें जी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इस सफ़र में जो मैं शुरू करने वाला हूँ उसमें मेरा लगेज सिस्टम जो है वो क्या होगा। तो इस सफ़र में मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस दफ़ा अपने हार्ड केसेस जो मैं लास्ट टाइम लेके आया था वो कोई इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, तो मैं स्विच कर रहा था टूवर्ड्स फ्राम हार्ड केसेस टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैनियर्स, और एक कंपनी है एंड्यूरिस्तान, उसका मेरे पास इस टाइम है सारा लगेज सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है जी ये पैनियर, ये है मूनसून एवो एल, मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा मूनसून एवो एल, जिसका है साइज़ तकरीबन कोई 34 लीटर इसकी कैपेसिटी है, और इसका अपना इसका जो वेट है वो है 2.7 किलोग्राम्स, और इसकी जो सबसे जो अहम इसकी जो है फीचर वो ये है कि ये वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, स्नो प्रूफ, एनीथिंग एवरीथिंग, यहाँ इसके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला। तो ये आपको खोल कर इसको दिखाऊंगा, अभी जब ये आता है नया इसकी पैकिंग में तो इसके साथ में स्ट्रैप है जो कि इसको बाद में शेप देता है एज ए पैनियर की। तो अगर मैं इसको मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद ये इसका साइज़ बनता है जी, और इसको इस बोर्ड को और इस कार्ड को इसके अंदर फिट करके तो इसकी एक शेप बन जाएगी एज ए पैनियर। तो ये लगाने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है, ये आपको ये नज़र आ रहा है इसकी शेप ऐसी, और अगर आप इसमें ये देखें इसके सामने यहाँ पे ये पीवीसी के इसके लगे हुए हैं जो इसके साथ वेल्ड किए हुए हैं पीवीसी के बैग के साथ, इन केस की कोई अगर इम्पेक्ट होता है रोड पे, किसी ग्रेवल पे, किसी और जगह पे, तो ये जो है चीज़ें ये बहुत ही रोबस्ट किस्म का है, और ये काफ़ी हार्ड है जो इसमें इतना प्रॉब्लम इसको नहीं होगा। मैंने एक बाइक पे लगाया हुआ यहाँ पे, मैं आपको उसके दिखाता हूँ, ये तो ये सेम चीज़ है इसमें, इसके यहाँ पीवीसी लगे हुए हैं, और साथ में इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रैप्स लगे हुए हैं इनकेस अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है। जो इसका सबसे प्रैक्टिकल फ़ीचर जो है इसका वो ये कि अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई पहले अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं आपके बाइक पे किसी और कंपनी के, अगर आपके पास पहले फ्रेम्स हैं, तो आपको इस सेटअप के साथ इन पैनियर के साथ आपको किसी और ब्रैकेट्स की या किसी और एडिशनल फ्रेम्स की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये पहले ये लगी हुई थी ये वाली फ्रेम्स, अगर आपके पास 18 mm के फ्रेम्स हैं पहले इस तरह के 16 to 18 mm तो प्रेफरेबली 18 mm, तो वो अगर आपके पास हैं तो उसके साथ या किसी भी किस्म के चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं या उन पर फिट हो जाता है। तो ये इसका बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ नहीं करना पड़ता।
इसमें अगर आप ये देखें कि बैक के अंदर से जो है इसका कलर, एक तो इसका ये मटेरियल बहुत ही कोई रोबस्ट किस्म का है कि इसको कुछ नहीं होने वाला, चाहे इसको कितने स्क्रैचेस पड़ें, इसको जहाँ से भी इसको मैं लेके जाऊं, इसको एक तो फील होता है कि इसको कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, उसके बाद इसके अंदर का जो है कलर वो है रेड, और वो आसानी के लिए है कि अगर मैं इसमें से अपना कोई चीज़ निकालना चाहता हूँ कि अपने कोई चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, तो मैं उसको यहाँ से आसानी से, अगर आप ये देखें, आपको ये बड़ी आसानी के साथ इसमें नज़र आता है कि अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। इसको लगाने का मैकेनिज़्म वो ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये और ये वाली ब्रैकेट। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इसी तरह जो है सेम नीचे ये इसका है ये वाला मैकेनिज़्म कि जब आप इसको इसके ऊपर लगाएंगे ब्रैकेट के ऊपर, तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर लगाने के बाद इसे आप खींचेंगे तो ये इससे ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा उससे, और लॉक होने के बाद फिर आप इसमें ये पिन जो है इसको आप इसमें डाल देंगे जिससे कि वो लॉक वापस दोबारा अपनी जगह पे फिट हो जाएगा और वहाँ से फिर वो बाहर निकलने का उसका ख़तरा नहीं रहेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इसके साथ की है। आप यहाँ पर इसको ये देखें कि नज़र कहाँ से आके आपको प्रॉपरली, यहाँ से आपको शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन शायद यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपको आता है नज़र तो ये यहाँ से ये इसके ऊपर ये फिट हैं। तो किसी भी किस्म की 18 मिलीमीटर ब्रैकेट अगर आपके पास पहले हैं, यू कैन गो विद दिस एनीवेयर, और आपको कुछ, और ये है लाइट वेट, 2.7 किलोग्राम इसका एक का वेट है और 34 लीटर्स कैपेसिटी है इसमें, तो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल और काफ़ी इसमें स्पेस आ जाती है। पैन करने का हमारे पास काफ़ी सामान है, ये इस तरह मेरे पास अब ये वाले फेंडर बैग्स हैं, ये इसके फेंडर बैग्स हैं, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें के जो कि मुझे इजी एक्सेसिबल मुझे चाहिए, मैं उनको इसमें डाल के इसके ऊपर लगा सकता हूँ इस तरह के स्ट्रैप्स में या यहाँ पे साइड में, तो वो मुझे आसानी से अगर मैं रास्ते में रुकता हूँ, कैमरा गियर हो गया या कुछ और चीज़ें कि जो मुझे रास्ते में मुझे किसी उनकी ईजी एक्सेस में चाहिए होंगी, तो उसको मैं इसमें डाल के आराम से उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे आप देखें कि इस पर लगाया हुआ है फेंडर बैग, इसमें टूल है सारा मेरा, कि सारा टूल लेट्स से कि, और ये हर वक्त मेरे साथ रहेगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसमें मेरा है टूल छोटा मोटा, इसके अगर कुछ मसला कहीं हो जाए तो ये टूल है इसमें, और इसके टूल के लिए एक अलग से इनका एक बैग है जी, इसका टूल बैग। अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर पूरा ऑर्गेनाइज करके टूल इसमें आ जाएगा मेरा, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में, और वो टूल इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा, ढूंढने में आसानी होगी मुझे इसमें। मैं आपको सारा टूल इसमें लगाने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये लगता कैसा है। तो ये भी इसमें है, और ये वाला टूल किट जो है ये मेरे फिर उस पहले फेंडर पैक में आ जाएगी, हमारे कैमरे के लिए, माइक के लिए, बाकी हर चीज़ की चार्जिंग करने के लिए सामान हमें ज़रूरत होती है, ताकि वो हमें वहाँ पे आसानी से इजीली हमें चीज़ें जो है वो वाली केबल्स मिल जाएं। तो ये इनका है एक केबल ऑर्गेनाइज़र, इसमें आप देखें कि ये खोल के यहाँ पे इसके पूरा सेटअप जो है इसमें केबल का, वो यहाँ पे इसकी जो है केबल्स वगैरह सारी आप यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ईज़िली, और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हैं पॉकेट्स वगैरह, यहाँ पर भी आप अपनी कुछ चीज़ें जो आपको ईजी एक्सेसिबल में आपको वो चाहिए आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो और यहाँ पे सारी केबल जो है वो सारी मेरी इसमें रहेंगी, इस एक बैग में, ताकि मुझे और कहीं जगह जगह पे ढूंढना ना पड़े और आसानी से मुझे मेरा जो है काम फिल्मिंग का हो सके और मैं आपको दिखा सकूँ। ये इनर बैग, ये इनर बैग है इस हिंदुस्तान के बैग का, इस पैनियर के लिए, के बजाय इसके कि मैं इस पैनियर को बार बार उतारता रहूं और इसको लगाता रहूं, इस इनर बैग में सब कुछ एक दफ़ा जो मैंने डालना है वो इसमें डाल के, और इसकी भी कैपेसिटी 34 लीटर्स ही है जिसमें अगर सारा कुछ आएगा, तो इसमें ये डाल के इसका मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया। तो अब जब मैं जाता हूँ किसी होटल वगैरह में जहाँ पे, तो सिर्फ मैंने ये वाला अपना बैग जो है इसको मैंने इसमें से निकाल के अपने पास साथ ले गया होटल में या जहाँ पर भी हूँ, तो मुझे बार बार अपने पैनियर को वहाँ से नहीं उतारना पड़ेगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है सफ़र में कि आपको सामान चाहिए होता है मिनिमम कॉम्पैक्ट और ईजी एक्सेसिबल,
और उसके लिए जो हिंदुस्तान का जो है एक सॉल्यूशन वो है ये वाला आइसोलेशन बैग्स। ये भी वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, इसमें अपना कोई चीज़ें कपड़े आपके मुख्तलिफ किस्म के हो गए, कैमरा इक्विपमेंट हो गया, ड्रोन और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो इसमें डाल के मुख्तलिफ किस्म के आप स्मॉल कंपार्टमेंट्स बना लेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में कि मैं उसमें क्या क्या लेके जा रहा हूँ। इसमें डाल दिया हमने, इसको हमने इसको जो है लॉक लगा दिया और ऐसे, तो ये हमारे उसमें है आराम से। हमें पता है कि इसमें हमारे इस वाले आइसोलेशन बैग हमारे पास क्या है, इसको आराम से हमने इस बैग में से निकाल लिया। तो दिस इज़ अगेन वेरी ऑर्गेनाइजिंग, ईजी एक्सेस के लिए, और फिल्म भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ईजी एक्सेस के लिए ये ऑर्गेनाइज करने के लिए ये है। तो अब ये देखेंगे, इसको मैंने इसके ऊपर लगाया, ये दो इसके जो हैं इसके ब्रैकेट्स ये यहाँ पे इस रैक में आके यहाँ फिट हो गई, यहाँ पे इसका ये लॉक लग गया, और इससे जो है इसके उसको मैंने जो खींच के उसको उसमें मैंने इसके फिट कर दिया। ये थोड़ी सी बड़ी है ये वाली ब्रैकेट, ये 19 मिलीमीटर है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के अपने इसके आते हैं डायमीटर एक्सटेंडर, जो छोटी उसकी होती हैं छोटी सी पत्तियाँ उसकी, उसको मैंने इसमें जो है वो डाल दिया। तो अब इसमें ये फिट हो गए हैं, तो इसका ये इसका है बॉटम से इसको फिट करने का, और ऊपर से जब आप इसको यहाँ पे ऐसे इसको फिट करेंगे तो यहाँ पे इसका ये है स्ट्रैप, इस स्ट्रैप के साथ आप इसको यहाँ पे इसके अंदर फिट करके, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि इसको यहाँ पे ये ऐसे इसके साथ ये फिट हो जाएगा, एंड देन इसने कहीं नहीं जाना। तो अभी देखें जब इसके साथ ये फिट हो गया और इस स्ट्रैप से ये ऊपर से फिट है यहाँ से, और नीचे इसकी ब्रैकेट थी जो अपनी ओरिजिनल वाली, और यहाँ से, और इसके बाद अब ये इसके ऊपर मुकम्मल फिट है। इसको जिससे मैंने आपको पहले बताया कि अगर उतारना चाहें तो भी आप इसको ईज़िली सिर्फ इसे खोलें, वहाँ से इसके ये लॉक निकालें, ये वाले लॉक हैं, और इसको बाल पुल कर लें, या फिर मेरे पास जो इसके इनर बैग्स जो हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं उसको इसमें डाल के सिर्फ उसी को निकाल के आप बाहर ले जाएँ, एंड देन इट्स ईजी। तो लें जी, मैंने इसके ऊपर सारा जो है मेरा लगेज सिस्टम वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये एक पैनियर पैर यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके पीछे जो है ये मेरे एक्स्ट्रा, अब ये इसमें आएगी एक ऑयल की बॉटल, क्योंकि इसको मुझे आमतौर पर डेली अगर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसमें यूज़ करूँगा चेन ऑयल को, क्योंकि चेन जो है वो डेली इस्तेमाल होने वाली है, उसको साफ़ करने वाली है। सेम जो है ये यहाँ पे इसके फ्रंट में यहाँ पे एक है केन होल्स्टर, ये वाला केन होल्स्टर, इस पर मैंने रखा हुआ यहाँ पे अच्छा चेन को साफ़ करने का सामान इसमें रखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये चेन साफ़ करने के लिए ऑयल है, कैरोसिन ऑयल इसमें रखा हुआ है, और कुछ और चीज़ें इसमें जो है कुछ ब्रश वगैरह चेन साफ़ करने के लिए उसमें यह रखा हुआ है। एक फेंडर बैग मेरा यहाँ पे आ गया जिसमें कोई इसमें है जी हमारा पंक्चर किट है मेरी इसमें, और पंक्चर किट मेरी जो है वो एक नॉर्मल सी है, इसमें एक स्प्रे जो है पंक्चर स्प्रे, अगर पंक्चर होता है कभी, वैसे अलग अलग नहीं होगा, अगर होता है तो इसमें मेरा एक पंक्चर किट है, पंक्चर स्प्रे है, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। एक फेंडर बैग मैंने यहाँ पर लगा दिया फ्रंट में, इसमें एडिशनल इसमें गेयर ऑयल है जो कि मैं चेन के लूप होने के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बाकी जो है इसमें है टूल। यहाँ पर भी जनाब आप देख सकते हैं कि एक ये लगाया मैंने फेंडर बैग, और ये वाला फेंडर बैग इसमें भी टूल है। तो सारी चीज़ें वो टूल सारा कि जो पहले पिछले साल मैं अपनी उसको बैग के अंदर रख के लेके आया था और उसमें जो प्रॉब्लम हुए थे काफ़ी उसको निकालने में, उसको दोबारा वापस रखने में, अब सारे जो हैं वो ईजी एक्सेस में हैं। तो एक फेंडर बैग मैंने यहाँ पर लगाया, तो मेरे पास इस टाइम जो है 5 फेंडर बैग्स हैं, एक यहाँ पे है फ्रंट क्रैश पार पे, एक इस तरफ है क्रैश पार के, ये यहाँ पे मेरे पास एक हैंडल बार बैग है जिसमें कि मेरी जो है बैटरीज वो चार्ज होती रहेंगी, इसके साथ यहाँ पे चार्ज होती रहेंगी। ये दो मेरे पास यहाँ पे जो हैं जी ये इसके पैनियर आ गए, और ये चीज़ है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इसमें हमारी जो है केबल, ये केबल ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें सारी केबल्स हैं मैंने इसमें लगा दी हैं, जो कि मुझे ढूंढने में भी आसानी है कौन सी केबल मैंने यहाँ पर रखनी है, कौन सी केबल कहाँ पड़ी हुई है, वेरी इजीली एक्सेसिबल। तो ये है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे,
इसका ये पैनियर जो है, आप इसको यहाँ से खोलें, यहाँ से खोलें इसको, उसके बाद साइडों से आप इसे खोलें और सिर्फ इसको फिर आप रोल करके, और अंदर से आपको ये बहुत ही, इस टाइम ये एम्प्टी है, अंदर से आपको बहुत ही आसानी से अपना सामान या जो कुछ भी अपने यहाँ से ढूंढना है, इसको रखना है आपने, वो यहाँ पे आप इसको इजीली रख सकते हैं। और ये बहुत ही रोबस्ट किस्म का है, स्नो प्रूफ, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और इसको आई डोंट थिंक इससे कुछ होने वाला है मेरे अगले सारे सफ़र के दरमियान। यहाँ पर मैंने लगाई एक बॉटल होल्डर, कैन होल्डर, इसमें भी जो है मेरी कुछ चीज़ें आएंगी जो कि मेरी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली होंगी, जैसे पानी की बोतल मैं अपने यहाँ पर रख लूँगा और कुछ और चीज़ें को मैं अपने यहाँ पर रख लूँगी जो मुझे ईजी एक्सेस में चाहिए। जो राइडिंग केयर इस दफ़ा है, क्योंकि इस दफ़ा मैं लास्ट ईयर भी काफ़ी गर्मी में आया था और इस दफ़ा मैं क्योंकि उसे गर्मी में ही मैं अपने टूर को शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा ड्रेस चाहिए था कि जो गर्मी में चलाने में मुझे ज़रा आसानी हो, अंदर उसकी जो वेंटिलेशन वगैरह उसकी होती रहे अंदर से और मुझे उसमें थोड़ी सी आसानी हो। तो एक कंपनी ने मुझे यहाँ पे इसको भेजा है, जो सियालकोट में है कंपनी, ये WN फुरकान, जिन्होंने मुझे ये भेजा ये वाला ड्रेस। और इसमें जो ख़ास बात है इस ड्रेस में, वो इसके हैं ये वाले विंड पॉकेट्स। अगर आप ये देखें, ये यहाँ पर इसकी जो है ये वाली, ये इसकी एक विंड पॉकेट है, एक इस तरफ है विंड पॉकेट, यहाँ पर एक इसकी विंड पॉकेट है कि आप इसको यहाँ से खोलें और ये इजीली आपकी जो है विंड पॉकेट, इवन कि मैं इसको राइडिंग करने के दौरान भी इसको मैं खोल सकता हूँ और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये दो इसकी विंड पॉकेट जो हैं ये यहाँ पर हैं, इसके बाजू के ऊपर काफ़ी बड़ी विंड पॉकेट्स हैं यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये मैश पॉकेट्स हैं यहाँ पर। तो ये और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसकी है, इसकी बैक पे, इसकी बैक पे ये पूरी जो है ये वाली, ये पूरी एक विंड पॉकेट है। तो यहाँ से आप इसको, यहाँ से हवा अंदर बहुत आ जाएगी। और अगर आप इसका देखें मैश, इसका जो है, इसका मैश ऐसा है कि ये हवा सारी पे अंदर, पूरी अंदर जो है मेरी वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है मेरी कमर के दौरान, कमर के ऊपर। तो इसको ईज़िली आप इसे खोल के, ये ऐसे बंद हो जाती है, यहाँ पर इसकी ज़िप है, ये बंद हो गया अभी यहाँ पे इसकी ज़िप से, और सिर्फ इसको आराम से इसको मैं खोलूँगा। और ये इसकी विंड पॉकेट आ गई, इसको रोल करके मैं यहाँ पे इसकी जो ये वाली है पॉकेट, यहाँ पे इसको मैं रख सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ अब क्योंकि इसकी बैक पॉकेट जो है जहाँ पे इसकी और यहाँ पे बैक में इसके यहाँ पे एक पॉकेट है, ये दी है, अगर आपको ये नज़र आती है यहाँ पे, तो ये वाली पॉकेट यहाँ पे के अपने कुछ जो डेली की मेरी हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये वाली इसकी है पॉकेट यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। और इसको मैंने इस्तेमाल किया है, इसका तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। इसके प्रोटेक्शन जो है, अगर आप यहाँ पर इसके देखें, इसका ये मटेरियल बहुत अच्छा लगा प्रोटेक्शन का। और यहाँ पे इसके अंदर जो है इसके दिए हुए प्रोटेक्टर, कि शोल्डर प्रोटेक्टर है, और यहाँ पे ये बैक प्रोटेक्टर है, और एल्बो प्रोटेक्टर। और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसके सामने इसके ये हैं दो पॉकेट्स इसके सामने हैं। एक पॉकेट मैंने आपको दिखाई है इसकी बैक पे है, काफ़ी बड़ी पॉकेट, और उसके बाद एक पॉकेट इसके अंदर है, एक पॉकेट इसके अंदर इस तरफ है, और एक पॉकेट इसके अंदर इस तरफ। तो दो पॉकेट्स अंदर हैं, दो पॉकेट सामने हैं बाहर की तरफ, और एक बड़ी पॉकेट पीछे की तरफ है। तो पांच पॉकेट्स हैं इसमें। तो जो मेरा डेली की जो मेरी चीज़ें हैं, मेरा वॉलेट हो गया, पैसे हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेरे पासपोर्ट वगैरह हो गया, तो यहाँ पर ईजी एक्सेस में है, उसको मुझे कहीं और किसी जगह पर उसको रुक के उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो होगी इसकी जैकेट। अब हम आते हैं जी इसके ट्राउज़र पर। ये देखें, ये है जी इसका मेरे पास ट्राउज़र, जो कि अगेन WN फुरकान ने ही बना के मुझे भेजी है। और क्वालिटी में इसका मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे मिल जाएगी। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे नज़र आई थी यूरोप में, ये उससे भी अच्छी है क्वालिटी में। और इसको अगर आप इसको हाथ लगाने से, इसको देखने से फील होता है कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी है।
इसकी भी यहाँ पे थाइस के ऊपर ये विंड पॉकेट्स हैं, इसको आप आराम से खोल सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। दोनों तरफ थाइस में इसकी विंड पॉकेट्स हैं। और जो इसमें और अच्छी बात है, खसूसी बात इसमें यह है, वो ये कि इसके पिछले की तरफ जो है टांग के पीछे की तरफ नीचे के हिस्से में, वहाँ पर भी हैं ये विंड पॉकेट्स हैं दो। तो समर में इसको चलाने का मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे घुटनों के पास ये यहाँ पे लेदर का पैच लगा हुआ है। ये लेदर के पैच मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने इससे की थी कि जब हम ऑफ रोड करते हैं, कभी वहाँ खड़े होकर चलाना पड़ता है, तो बाइक ऐसा ग्रिप के लिए ये लेदर के पैच मेरे वहाँ पर हेल्प करेंगे। अगेन यहाँ पर इसकी जो है ये प्रोटेक्शन है, नी प्रोटेक्शन है, हिप प्रोटेक्शन यहाँ पे इसके अंदर है बिल्ट इन। और यहाँ पे इसकी अगर आप ये देखें, ये वाली बेल्ट जो है किडनी बेल्ट, अब किडनी को वार्म रखने के लिए, वो भी यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रेस है और डब्ल्यू एन फुरकान ने बहुत अच्छा काम किया। वो तो अब हो गया हमारा समर के दौरान कि अगर मैं समर में क्या, लेकिन अगर रास्ते में कहीं बारिश हो जाती है या आगे विंटर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी एक उसके अंदर बाकायदा इंटीग्रेटेड ये वाटरप्रूफ लेयर है। ये वाटरप्रूफ लेयर उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसको मैं उसके अंदर डाल दूँगा ज़िप के साथ। ये वहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और इसके अंदर, इस वाटरप्रूफ लेयर के अंदर फिर एक और लेयर है जो कि है थर्मल लेयर। ये आपको नज़र आ रही है, ये है थर्मल लेयर सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। और ये भी डिटैचेबल है, यहाँ पे इसको ज़िप से मैं इसको भी अलग कर सकता हूँ। लाइक इन समर अगर बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो मैं थर्मल लेयर को अलग कर दूँ और सिर्फ वाटरप्रूफ लेयर में इस्तेमाल करूँ। और वाटरप्रूफ लेयर के अंदर भी यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैश है, और इस मैश की वजह से हवा जो है सारी अंदर से सर्कुलेट होगी, बॉडी को जो है मेरा टेम्परेचर उसे कंट्रोल में रखेगी। लेकिन समर में राइड करने के लिए सिर्फ एक जैकेट जो कि इसमें काफ़ी सारे विंड पॉकेट्स हों, वो इनफ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर उसका टेम्परेचर को, उसे कूल डाउन रखने के लिए और हवा को अच्छी तरह से कूलेट करने के लिए। हमें चाहिए था एक फंक्शनल बेस लेयर। तो ये मेरे पास एक फंक्शनल बेस लेयर है, यहाँ पर आप देखें। अगर आप देखें कि इसके यहाँ पर ये चेस्ट के ऊपर और इसके बाज़ों के ऊपर ये ब्लू पैचेस जो हैं, और इसकी ये पीछे की तरफ इसके जो हैं ये वाले ब्लू पैचेस, ये पैचेस जो हैं ये ब्रेथेबल पैचेस हैं, जो कि आपके पसीने को बाहर की तरफ इसको निकालते हैं, इवेपोरेट करते हैं, और सामने से वहाँ से जो है विंड पॉकेट से हवा अंदर आ रही होती है। तो पसीने की नमी और हवा से आपकी बॉडी का जो है टेम्परेचर वो ठंडा रहता है। तो ये एक बेस लेयर है जी। इस बेस लेयर को मैं पहनने के बाद फिर मैं वो जैकेट पहनूँगा। तो जो गलतियां की थी हमने पिछले साल के ट्रिप में, वो इस सफ़र में कोशिश करें कि हम वो ना करें, ताकि हमारा सफ़र जो अच्छा गुजरे। किट पहन दे के साथ ही इसको आपको फील होता है कि अंदर आपके जो है ना एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है हवा के साथ अंदर। आहिस्ता जो हवा का फ़्लो है इन पॉकेट्स के साथ, जो हवा का फ़्लो अंदर आ रहा होता है, वो एक उसका आहिस्ता आहिस्ता जब वो अंदर जाता है आपकी बॉडी के साथ, उसका टेम्परेचर को तरह उसको नॉर्मलाइज करता है, तो उसका मज़ा ही एक और। इस तरह आप जब आप किसी बहुत ही गर्म से जब आप अंदर आते हैं किसी एसी में, तो आहिस्ता जो आपको फील आती है उस ठंड की, उसका फिर अपना ही मज़ा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया पहले कि इसके यहाँ पर इसके ये विंड पॉकेट्स हैं पूरी बाजू के ऊपर, यहाँ पर शोल्डर पर इसकी प्रोटेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये तो आपको आ रही है नज़र, तो सामने इसकी ये वाली विंड पॉकेट है दोनों तरफ, इस तरफ इसकी दोनों तरफ इसकी विंड पॉकेट्स हैं। अंदर इसके पूरा यहाँ पे मैश लगा हुआ है, और ये मैश जो है वो हवा को सारा इसको सर्कुलेट करता है अंदर की बॉडी में। और ये यहाँ पे इसकी जो है ये वाली ज़िप, ये थर्मल लेयर को और वाटरप्रूफ लेयर को यूज़ करने के लिए, इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए, ये इसको डिटैच करने के लिए है। तो और पीछे अभी आपकी नज़र आ रहा होगा कि ये पीछे इसकी जो है विंड पॉकेट बहुत बड़ी, और यहाँ से आपको इसका मतलब यह है कि इस समर में होपफुली समर इतना हार्श भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में तो वैसे भी काफ़ी हार्श समर होता है। तो ये जैकेट इसने मुझे वहाँ पे काफ़ी बचाना है इसने। और नेक्स्ट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस दफ़ा अपने बाइक के ऊपर चार्जिंग के लिए और मोबाइल को होल्ड करने के लिए, वो ये कॉर्ड लॉक का आपके यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये कॉर्ड लॉक का यहाँ पर है एक माउंट, जो कि यहाँ पर मैग सेफ है और ये ऑटोमेटिक इसके चार्जिंग भी इसके साथ मेरे मोबाइल की होती रहेगी, तो मुझे एक्स्ट्रा से जो है केबल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके चार्ज करने के लिए। और ये वाइब्रेशन भी इसकी यहाँ पे टेम्प
वाइब्रेशन डैम्पनर भी इसमें लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये इसका ये लगा हुआ है वाइब्रेशन डैम्पनर, कि जिससे जो है वाइब्रेशन वगैरह उसकी मोबाइल पे वो कम पड़ेगी और उसके आपके मोबाइल के कैमरे वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो एक मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है, और एक मैं लगाया हुआ है यहाँ पर एडिशनल, कि इन केस कि कभी अगर मैं देखने में कोई अगर एंगल मुझे जो है उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर सही नहीं लगता तो मैं उसको यहाँ पर लगाया हुआ। तो ये जो है ये हमारा है जी मिरर, और मिरर का जो होल्डर है उसके ऊपर एक लगा हुआ है ये वाला क्वाड लॉक का उसकी होल्डर, और यहाँ पर भी लगा वाइब्रेशन डैम्पनर, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो मेन कैमरा है वो तो है ये GoPro, ये GoPro हीरो 10 है, उसके ऊपर मीडियम मोड लगा हुआ है, और ये एक तो हो गया ये GoPro। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रिप में आपको ज़रा कुछ और दिखा सकूँ, कुछ और नई चीज़ें दिखा सकूँ। तो ये मेरे पास है 360 कैमरा, 360 मेरे पास ये है कैमरा विद सेल्फी स्टिक। तो इसको साथ में कुछ आपसे बातें करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 360 की जो बाद में उसकी जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम होता है, कि 360 को फिर आगे उसमें जो कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद उसको एडिट करना, तो उसमें तकरीबन डबल टाइम लगता है। तो मैं देखूँगा शुरू में उस पर कितना टाइम लगता है और आया उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, आपको पसंद आती है कि नहीं आती, और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर मैं इसी को फिर आगे इस्तेमाल करूँगा, नहीं तो फिर मेरा ये जो है ये GoPro इसको मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। तो ये दो मेरे ये हैं कैमरे व्लॉगिंग के लिए जब मैं मोटरसाइकिल पर राइड कर रहा हूँगा। मेरा तीसरा कैमरा है ये सोनी ZV-1, जिसको मैं यूज़ करूँ, जिसके मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये है सोनी ZV-1। तो ये तीन कैमरे हैं मेरे पास, DJI मिनी 2 है मेरे पास, साथ में इसका फुल पैक जो था इसके साथ में तीन बैटरीज हैं, और ये कंट्रोलर इसका हो गया। जो मेरे पास जो माइक है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है रोड वायरलेस को, जिसके मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। प्लस मेरे पास ये है माइक एक रोड का स्मार्ट लैव प्लस, ये मेरे पास है, इसके साथ मेरी व्लॉगिंग जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो फ्रॉम द मोटरसाइकिल, तो इसको मैंने लगाया हुआ अपने हेलमेट में। साथ में एक ये है जी एडाप्टर, माइक एडाप्टर 360 कैमरे के लिए, तो वो ये वाला है एक माइक एडाप्टर, और इसके साथ अच्छा GoPro के साथ जो मीडिया मोड है उसमें ऑटोमेटिकली उसका जो है माइक एडाप्टर उसमें लगा हुआ है, इसकी एक्स्ट्रा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जो एडिटिंग है मेरी वो मैं करता हूँ मैकबुक प्रो के ऊपर, कि मैकबुक प्रो है 2019 मॉडल, M1 नहीं है ये, M1 से आई थिंक एक मॉडल पहले का, तो मैं इसके ऊपर करता हूँ, और ये उसके ऊपर तो मेरे ऊपर इसके ये काम ठीक करता है। और साथ में मेरे क्या है ना, ये लाइट्स है मेरे साथ, एक शाम में लो लाइट में जब अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ये लाइट है और एक ये लाइट है मेरे पास, तो इससे मेरा जो है गुजारा हो जाएगा। स्टोरेज के लिए मेरे पास जो है एक 5 TB की एक हार्ड डिस्क है HDD, और 1 TB की मेरे पास ये है SSD, तो मैं इसको स्टोरेज के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कभी जो मैं एडिटिंग है वो मैं इसके ऊपर करता हूँ, और आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा सारा जो है सिस्टम है। ट्रिप हमारा इंशाल्लाह कल से शुरू हो रहा है, तो आपकी दुआएं मुझे चाहिए, और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा कल। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ वीडियो को। आपसे दुआओं की अपील है, स्पेशली इन अफ़गानिस्तान, ये वहाँ पर जो है तालिबान का रवैया मेरे साथ पहले भी अच्छा था और इस दफ़ा भी ज़रा मेरे से ज़्यादा ही अच्छा हो, स्पेशली जो बॉर्डर क्रॉसिंग है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान फ्राम पाकिस्तान, वो भी होपफुली स्मूथ जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अस्सलाम वालेकुम।